भारत में पिछले 24 घंटे में 1829 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही कोविड 19 केसों में 16.5% बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इस अवधि में 33 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। कोविड 19 से मृत्यु दर 1.22% है। अभी तक देश में कोरोना से कुल 5,24,293 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 15,647 है। पिछले 24 घंटे में 2,549 लोग इस वायरस से सही हुए हैं। देश में कुल 42,05,87,259 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन भी तेजी के साथ लगाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 14,97,695 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं अब तक 191,65,770 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर 2020 को 90 लाख के पार चले गए थे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।